हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ आसिफ। और आज के इस इरिगेशन के क्लास में हम अपने यूनिट फोर्थ को आगे बढ़ाते हुए जो हम पिछला टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और आज तो बेसिकली जो हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे जो इरिगेशन की या सिंचाई करने की जो जो विधियाँ होती हैं उनके बारे में, तो पिछले क्लास में हमने बात की थी फ्लो इरिगेशन के बारे में। तो फ्लो इरिगेशन क्या होता है? जनरली जो अपने इंडिया में जिस तरह का जो एक एक सिंचाई की व्यवस्था जो ज़्यादातर किसान लोग अडॉप्ट किए हुए हैं, जो अपने यूज़ करते हैं खेतों में, वो फ्लो इरिगेशन का ही एक टाइप है। जिसमें क्या होता है, पानी एक ग्रेविटी के थ्रू एक तरफ से हम पानी खेत में देते हैं और इस तरह से वहाँ पे पूरे खेत में इस तरह से हम मैनेज करते हैं। मैनेज करने का मतलब है कि वहाँ पे जो मेड़े हैं और वहाँ पे क्यारियाँ बना देते हैं, जिस तरह पूरे जो पानी है वो ग्रेविटी के थ्रू पूरे खेत में बहता हुआ, पूरे जो फसल लगी हुई है उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस क्षेत्र को इरिगेट करता है। और इसके फिर हमने कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी डिस्कस किया था। जैसे कि इसमें जो अगर डीमेरिट्स की इसकी बात करें तो इसके जो वाटर लॉसेस हैं और जो पानी का ज़िया है, ज़िया मतलब पानी का जो वेस्टेज है, वो ये काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर इसके मेरिट इसकी क्या थी, काफ़ी इजी होता है, टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं होती और अफोर्डेबल है, आम से आम बंदा भी इसको इजीली कर सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक है स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन आप टर्म से ही अंदाज़ा लगा रहे होंगे ये किस बारे, किस तरह की एक एक मेथोडोलॉजी होगी जो हम अडॉप्ट करने वाले हैं। तो स्प्रिंकल बेसिकली बोलते हैं छिड़काव को, हिंदी में इसको बोलते हैं छिड़काव या बौछार सिंचाई। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, इसके इसको जो स्प्रिंकल इरिगेशन का जो सेटअप होता है, इंस्टॉलेशन होता है, वहाँ पे ये इंस्टॉलेशन करके दिखाया गया है ये वाले फिगर में, इस वाले फिगर में। तो देखें क्या हम बेसिकली करते क्या हैं इसमें, स्प्रिंकल इरिगेशन में पूरे खेत में ये पाइप लगा देते हैं। ये पाइप आप देख रहे होंगे, पूरे खेत में हमने पाइप लगा दी है, थोड़ी थोड़ी गैप के हिसाब से। गैप इस तरह से रखते हैं कि जो नोजल इसके ऊपर लगी हुई है वो जितना एरिया कवर कर ले उसके बराबर से ही नेक्स्ट पाइप हम लगाते हैं। देखें ये इसका एक कंपोनेंट हो गया, ये पाइप हो गया ये, और ये देखें ये नोज़ल इस पाइप के ऊपर लगी हुई है, और ये क्या है, ये क्यारियाँ बनी हुई हैं। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा ये किस तरह की सिंचाई होती है। हालांकि इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ एरियों में भी हो सकती है। वाइडली ये इस तरह की सिंचाई जो यूरोपियन कंट्री हैं उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो चलिए कैसे बात करते हैं इसके बारे में। तो देखें मेथोडोलॉजी क्या होती है, एक हम बेस तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने पूरे खेत में पाइप को बिछाना है और उसके ऊपर हम एक नोज़ल लगा रहते हैं। ये नोज़ल आपको दिख रहा होगा, ये पाइप के ऊपर नोज़ल रखा रहता है, जो मेन कंपोनेंट होता है छिड़काव विधि का वो ये चीज़ होती है। और हम पाइप में एक हम जनरेटिंग जो प्रेशर जनरेटिंग यूनिट होती है वो एक रहती है, उसका क्या काम होता है कि पाइप में जो वाटर की सप्लाई है उसको प्रेशराइज करना है, क्योंकि और सही प्रेशर वहाँ पे रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रेशर के ही थ्रू जो बौछारें हैं वो पानी की वो बारिश की शक्ल में फसलों पर गिरती हैं। इसलिए प्रेशर को मेंटेन रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। और वैसे भी ये जो एक जनरली भी है कि जो बारिश की फॉर्म में जो फसलों को जो पानी मिलता है वो
बेस्ट फॉर्म होती है उनके ग्रो करने के लिए। शर्त के बस ये है कि वो पानी एक उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, जैसे कि फसल को जितना ज़रूरी है, ना कि लेस ना कि ओवर। तो ये जो बारिश की जो फॉर्म होती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी फसलों के लिए ज़रूरी होती है। और उसी को, लेकिन बारिश का क्या है, बारिश इंडिया की अगर पर्सपेक्टिव में बात करें, इंडिया के पसे मंज़र में अगर बात करें, तो बारिश काफ़ी अनसर्टेन है। मानसून कभी ज़्यादा रहता है, कभी कभी कम रहता है, और कभी होता ही नहीं, कभी सूखा रहता है, कभी फ्लड आ जाती है। तो एक हमने एक अल्टरनेटिव बारिश का जो बेसिकली निकालने की कोशिश की है, तो उसी कोशिश में हमने जो स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम है, इसको अडेप्ट कर दिया हुआ है। तो देखें होता क्या है कि जब पाइप में से पानी फव्वारे से के थ्रू होता हुआ नोज़ल से जब गिरता है, तो वो एक ड्रॉपलेट की शक्ल में छिड़काव की फॉर्म ले लेता है। जो आसपास का एरिया होता है, वहाँ पे जो आसपास का जो एरिया है, इरिगेट होता रहता है। तो ये था इसके जनरल व्यू के बारे में, क्या क्या चीज़ होती है ये, क्या किस तरह की एक इरिगेशन सिस्टम है। तो जैसा कि हमने बात किया कि इसको ज़्यादातर ये जो प्रैक्टिस में है, वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री और इंडिया में कुछ जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि एमपी है, हरियाणा है, उन एरियो में इसका यूज़ हो रहा है, इस मेथडोलॉजी का। अब देखें, बात करते हैं अब हम इसके कंपोनेंट के बारे में। तो देखें, सबसे पहले हमने जो बात की थी, ये है कंपोनेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, कि जो इसके कंपोनेंट होते हैं पूरे सेटअप के, वो क्या क्या हैं। तो इसके मेन जो कंपोनेंट हैं, वो तीन कंपोनेंट हैं। एक है प्रेशर जनरेटिंग यूनिट, और दूसरा है वाटर कैरियर यूनिट, एंड देन वाटर डिलीवरी यूनिट, या फिर स्प्रिंकल हेड भी कहते हैं इसको। बात करते हैं कि जो पहला जो कंपोनेंट है, प्रेशर जनरेटिंग यूनिट, वो क्या होता है। प्रेशर जनरेटिंग यूनिट, देखें जैसे हमने बात की थी कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये इसकी जो एक जो छिड़काव है, वो कितना बेहतर होगा या ख़राब होगा, वो डिपेंड करता है कि पानी में हमने कैसा प्रेशर को मेंटेन कर रखा है। हमने एक इसके लिए एक प्रेशर जनरेटिंग एक यूनिट लगानी होती है, और इसी को हम बोलते हैं प्रेशर जनरेटिंग यूनिट। अब जैसे कि आप इसमें अगर पढ़ना चाहें तो इसको देख भी सकते हैं, देखें क्या लिखा हुआ है। इन इकाइयों का प्रयोग देखें इन इकाइयों का प्रयोग जल को उचित दाब प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन इकाइयों को पंप व बूस्टर होते हैं। इन इकाइयों में पंप व बूस्टर होते हैं। टरबाइन पंप का प्रयोग गहरे पानी का पंपन व केंद्रीय पंप का उपयोग कम गहराई पर पानी के लिए किया जाता है। बूस्टर का प्रयोग पाइप में अतिरिक्त जलदाब उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो अब ये हो गया जो पहला इसका कंपोनेंट था, जो प्रेशर जनरेटिंग यूनिट, उसके बारे में। अब इसका जो दूसरा यूनिट है, दूसरा कंपोनेंट है, वो है वाटर कैरियर। वाटर कैरियर का मतलब है वो इकाई, वो यूनिट, वो चीज़ें
जो पानी को उस जो हमारी रिक्वायर्ड लोकेशन है, जो भी फसलों तक जो जड़ें हैं उन तक जो पानी को जो पहुंचाने का एक कैरियर, जो का कैरियर का मतलब है कि ले जाने वाला, जैसे कि आपने ट्रक वगैरह के पीछे पड़ा होगा, गुड्स कैरियर मतलब सामान ले जाने वाला। तो इसको देखते हैं, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खेत में ले जाने के लिए जलवाहक इकाई, मुख्य पाइप व पार्श्व पाइप बिछाए जाते हैं। पाइप प्लास्टिक अथवा धातु के होते हैं। गेट वाल्व व दाब गेज पाइप लाइन पर प्रवाह के जल पर नियंत्रण के लिए लगाए जाते हैं। अब ये जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है जो लास्ट कंपोनेंट है, स्प्रिंकल हेड, जो हम पाइप के ऊपर बेसिकली जो मेन काम करता है स्प्रिंकल का, जो जो एक जनरल फ्लो को स्प्रिंकल में जो चेंज करता है वो ये स्प्रिंकल हेड ही है। देख लें इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। वाटर डिलीवरी यूनिट, स्प्रिंकल हेड अथवा छिद्रित पाइप जल निर्गम निकाय के घटक होते हैं। इस प्रणाली का सबसे प्रमुख घटक स्प्रिंकल है, जैसा कि अभी हमने बात की थी, या स्प्रिंकल हेड होता है। इसकी सहायता से ही जल वर्षा के रूप में पौधों पर गिरता है। इनमें एक या एक से अधिक नोजलों को संबद्ध कर दिया जाता है, जो पानी को वर्षा का रूप देती है। निर्गम हेड को उत्थापक पर लगाया जाता है। ऊपरी परिधि पर एक तिहाई परिधि कटे छिद्रयुक्त पाइपों को भी बौछार सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। जब मुख्य पाइपों में उचित दाब पर पानी गिरता है तो छिद्रों से बौछार के रूप में निकलता है। ये तो ये हो गया जो इसकी जो एक मेथोडोलॉजी थी और इसके जो स्प्रिंकल इरिगेशन के जो कंपोनेंट थे उसके बारे में। तो अब जो है हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कि इसके स्प्रिंकल इरिगेशन के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में अब हम देखते हैं। अब आप देखें ये हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स। इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप निकल सकते हैं कि दे सकता है कि पॉइंट की स्प्रिंकल इरिगेशन का एक मेरिट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला जो मेरिट है इसका वो है वाटर सेविंग। वाटर सेविंग का मतलब है कि जो फ्लो इरिगेशन हमने पढ़ा था उसमें क्या होता, जो वाटर का जो वेस्टेज था वो काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि हम उसमें कर क्या रहे थे, जनरली उसमें हम पानी को पूरे ही पानी में, पूरे ही खेत में पानी का फ्लो करा रहे थे, जिससे और क्या रहा था, एक तो जो वाटर का जो जो परकुलेशन है, परकुलेशन का मतलब है कि जो पानी जो सॉइल के जो पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब छिद्र, उनके थ्रू बहता हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए जो ग्राउंड वाटर है, जो सरफेस वाटर है, वो जब
ग्राउंड वाटर में जो चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं परकुलेशन। तो ये परकुलेशन जो हमने पानी दिया था उसका वेस्टेज हो गया, जो पानी उसमें चला गया वो वेस्ट हो गया। और अगर सॉइल वो एरिया, पर्टिकुलर एरिया पहले से ही वाटर टेबल वहाँ का ठीक है, तो जो ये जो हम पानी जो हमारा खेतों में से जो वहाँ पे जाके परकुलेट होके जो नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर में जो तब्दील हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एक जो वाटर टेबल को हाई कर देता है, ऊपर लेके आ जाता है, और जो वाटर लॉकिंग की प्रॉब्लम है वो भी उस एरिया में देखने के लिए मिलती है। वाटर लॉगिंग इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिकली जब जलमग्नता, हिंदी में बोलते हैं जलग्रस्तता, जब वाटर लेवल मतलूबा लेवल से जब ऊपर आ जाता है तो उसको बोलते हैं वाटर लॉगिंग। और इवेपोरेशन भी काफ़ी होता है, जब फ्लो इरिगेशन में हम पूरे खेत में ही पानी पहुंचाते हैं तो जो इवेपोरेशन है वो भी एक वाटर का लॉस है। तो फ्लो इरिगेशन का ये ड्रॉबैक था कि इसमें वाटर लॉसेस काफ़ी हद तक थे, लेकिन जो स्प्रिंकल इरिगेशन है इसमें ये चीज़ नहीं है। वो चीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो पानी को, जो फसलों को जब हम पानी देते हैं तो बेसिकली वो बारिश के रूप में ड्रॉप टू ड्रॉप वहाँ पे गिरता है, और जितनी वहाँ पे ज़रूरत होती है, क्योंकि हम उस पूरे सिस्टम को खुद ही रेगुलेट कर रहे हैं, उतने पानी को कितना देना है, कितना नहीं देना है, प्रेशर कितना रखना है। तो इस तरह से जो जो वेस्टेज ऑफ वाटर है वो काफ़ी मिनिमम इसमें रहता है। तो पहला पॉइंट वही ये लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जल बचत होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, फसल को वर्षा की भांति समान मात्रा में लेकिन समय समय पर पानी की प्राप्ति होती है। तो इससे पहले जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तो इस जो ये जो सिस्टम है इसको एज ए जो रेनफॉल का जो अल्टरनेटिव है उसको, रेनफॉल के अल्टरनेटिव के तौर पर इसको देखा जा सकता है। दूसरा क्या है, पानी में उर्वरकों व कीटनाशकों को मिलाकर उनका पूरे खेत में समान रूप से वितरण किया जा सकता है। तो कहने का क्या मतलब है कि जो हम जो जब हम फ्लो इरिगेशन में जो हम एक एक्स्ट्रा मैन पावर को यूज़ करते हुए जो हम यूज़ करते हैं अपना फर्टिलाइज़र वगैरह पूरे खेतों में छिड़कते हैं मैनुअली, तो उस चीज़ को इसमें अवॉइड किया जा सकता है। वो किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है कि जो हम फर्टिलाइज़र है वो जो हम पानी की सप्लाई कर रहे हैं उसमें ही डिसॉल्व कर दें, उसमें ही उसको घोल दें, तो इसको कम किया जा सकता है। वो इसमें हम खेतों में जलग्रस्तता की समस्या उत्पन्न नहीं होती। ये गाइस वही चीज़ें जो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस की थी कि परकुलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम इस तरह की मेथोडोलॉजी में देखने के लिए नहीं मिलती। दूसरा है, अब नेक्स्ट क्या है, ऊबड़ खाबड़ व कठोर मृदा वाले खेत के लिए सिंचाई उपयुक्त है। तो देखें, अगर टोपोग्राफी उसकी मतलब इवन फॉर्म में नहीं है, कोई भी एरिया है टोपोग्राफी ऊंचा नीचा है, तो फ्लो इरिगेशन के जैसा इसमें नहीं है कि फ्लो इरिगेशन में पूरे खेत को ही हमने प्लेन करना होता है, और प्लेन इस तरह से क्योंकि स्लोप भी वहाँ पे रहता है, क्योंकि पानी उसमें ग्रेविटी के थ्रू पूरे खेत में सप्लाई होती है, लेकिन इस स्प्रिंकल इरिगेशन में ये चीज़ नहीं है। इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स ना होके जो हम पानी की सप्लाई करते हैं वो प्रेशर के थ्रू ऊपर से करते हैं बारिश के फॉर्म में, तो इसमें खेतों को प्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसी भी टोपोग्राफी है, जैसी भी उसकी शेप है, उसी पर ही वो हम सेटअप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, खेतों में खरपतवार की जो समस्या है इसको भी ख़त्म किया जा सकता है। खरपतवार क्या होता है, जब हम कोई मेन फसल जब बोते हैं तो उसके साथ में कुछ मॉइस्चर की वजह से, नमी की वजह से
कुछ मतलब अनवांटेड जो पौधे हैं वो निकल के आ जाते हैं। जैसे हम अगर सर्दियों में गेहूं की जो फसल है उसके साथ में कई बरसीन वगैरह भी और कई तरह की जो अनवांटेड जो पौधे हैं वो निकल के आ जाते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं खरपतवार। वो और वो आते क्यों हैं, क्योंकि उस एरिया में जो मॉइस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन इस इरीगेशन में मॉइस्चर सिर्फ, मॉइस्चर का मतलब है पानी, सिर्फ जो हमारा जो फसल है उसको ही दिया जाता है। तो जो खरपतवार निकलने की जो एक स्थिति है वो काफ़ी नहीं बन पाती या फिर वहाँ पे नहीं निकलते। नेक्स्ट पॉइंट है पानी बूंद बूंद गिरने से मृदा का कटाव नहीं होता, निचले स्थानों में जल भराव की समस्या नहीं होती। तुषार व पाले से फसलों को बचाया जा सकता है। अब इसकी बात करते हैं डीमेरिट्स के बारे में। इसके हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बात करते हैं। देखिए पहला जो इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और इंडियन परस्पेक्टिव, इंडियन इंडिया इंडियन फार्मर्स के अगर पस मंज़र में अगर हम बात करें, तो जो सबसे बड़ा इसका जो डीमेरिट्स है या ड्रॉबैक है वो है इसकी जो इस जो कॉस्ट है इसकी सेटअप की, इंस्टॉलेशन की, पूरी यूनिट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई रहती है। जिसकी वजह से जो अपने इंडियन जैसे देश में जहाँ पे लोग वैसे ही वह मुश्किल सर्वाइवल कर पाते हैं, तो उनके लिए ऐसा सिस्टम को अडॉप्ट करना काफ़ी काफ़ी मतलब उनकी काफ़ी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पे काफ़ी असर डालता है। तो पहला इसका डीमेरिट हो गया कि जो कॉस्ट है इसकी काफ़ी हाई रहती है, और जो गरीब जो किसान है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या है, पानी को दाब देने के लिए पंपन संयंत्र लगाए जाते हैं जिनकी देखभाल व मरम्मत कठिन होती है। कहने का मतलब है कि ये जो पूरा सिस्टम है इसमें हमें स्किल बंदे की ज़रूरत होती है, चाहे वो स्किल फॉर्मर हो, अगर स्किल्ड फार्मर नहीं है तो उसको स्किल्ड बंदा रखना पड़ेगा जो इस ये जो स्प्रिंकल से इरिगेशन है उसके बारे में जानकारी रखता हो। अगर वो बंदा रखेगा तो वहाँ पे भी उसको पैसे देगा, और एक इजीली इसको नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको आप एक जैसे फ्लो इरिगेशन में एक आम सा बंदा फ्लो इरिगेशन को कर सकता है, इसमें ये चीज़ नहीं होती। और जो नेक्स्ट है एक पॉइंट इसका ये ड्रॉबैक का है डीमेरिट का, जो क्लाइमेट जो कंडीशन है जैसे ठंड वगैरह, तूफान, बारिश, तो ये जो है जो पूरा सिस्टम है जो सेटअप है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जब वो इंटरप्ट हो जाएगी तो इरिगेशन भी रुक जाएगा, सिंचाई वगैरह की जो वहाँ पे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कम पारगम्यता की मृदा पर छिड़काव विधि प्रयोग नहीं करनी चाहिए। कम पारगम्यता का क्या मतलब होता है कि जो ऐसी अगर सॉइल है जो पानी को कम एब्जॉर्ब करती है, परकुलेशन उसमें पारगम्यता कम है, तो ऐसी सॉइल में ये स्प्रिंकल इरिगेशन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि जो पानी है वो पारगम्यता के ही फीचर्स के थ्रू पौधों की जड़ों तक जाता है। लेकिन अगर वो सॉइल पारगम्य नहीं है तो पानी सरफेस पर ही रहता है और प्रॉपर जो सप्लाई है वो नीचे हो नहीं पाती। और सातवां पॉइंट क्या है, फसलों के लिए मितव्ययी प्रयोग के लिए भरोसेमंद जल आपूर्ति की ज़रूरत होती है। एक रिलायबल सोर्स चाहिए जो हमेशा वहाँ पर अवेलेबल हो। और
और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, मुलायम व पके फलों पर पानी की बौछार करने से फसल को नुकसान होता है। तो गाइस ये जो सारी बातें थी जो हमने ड्रिप इरिगेशन क्या होती है, सॉरी स्प्रिंकल इरिगेशन क्या होती है, किस तरह से की जाती है, उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, मेरिट और डीमेरिट्स क्या हैं, तो इन सारी बातों को आज हमने इस क्लास में डिस्कस किया। और ऑब्जेक्टिव के लिए इसको ही जो थ्योरी है इसको ही आप काफ़ी डीप फोकस के साथ पढ़िए और इसी में से वो ऑब्जेक्टिव टाइप निकालेगा। जैसे इसमें एक पॉइंट था वो उसने दे दिया कि जो स्प्रिंकल इरिगेशन है किस तरह की सॉइल में यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो वो दे देगा जहाँ पर पारगम्यता कम हो, पारगम्यता ज़्यादा हो और स्लोप हो, स्लोप कम हो, तो चार पॉइंट दे सकता है। तो इसी में से जो ऑब्जेक्टिव हैं वो निकलते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको काफ़ी डीपली थ्योरी को स्टडी करना होगा, ये नहीं कि ये पहले तो आप कहानी भी लिख सकते थे, तो इसमें आप कहानी नहीं लिख सकते, इसको आपको ऑब्जेक्टिव को है तो काफ़ी सीरियसली आपको फोकस के साथ करना पड़ेगा स्टडी। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीप इरिगेशन, और फिर उसी टॉपिक के साथ ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लिफ्ट इरिगेशन जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे।